गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यावसायिक सलाहकार। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा टैक्स बेनिफिट्स टू स्कूल्स, कॉलेज एंड हॉस्पिटल आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। डियर फ्रेंड, स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स की इंडिया में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ज्यादा ज्यादा स्कूल्स, कॉलेज ओपन किया जाए, सो दैट एजुकेशन का जो लेवल है इंडिया में इम्प्रूव हो, सब लोगों को एजुकेशन तक एक्सेस हो। और हॉस्पिटल, देखा आपने COVID-19 के दौरान जो क्राइसिस है, तो उसके चलते हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो है, जो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज पर काफी ध्यान दे रही है। तो बजट 2021 में इनकम टैक्स के अंदर कुछ उनको बेनिफिट दिया गया है, टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है, उसके जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोले। गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। तो आइए देखते हैं बजट 2021 में जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट दिया गया है। देख रहे हैं आप सेक्शन 10 क्लॉज 23C, सब क्लॉज 3AB और ए का मैं रेफरेंस दूंगा, जिसमें यहां पर अमेंडमेंट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सबसे पहला जो सेक्शन है 23C क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 एंड सब क्लॉज 3AD, तो यहां पर इस सेक्शन के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्लोली जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं और नोट फॉर द पर्पस ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट, अगर उनके एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एक्सीड नहीं करता है, पहले ये लिमिट 1 करोड़ तक था, अगर एनुअल रिसिप्ट, एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट 1 करोड़ तक है तो आपको ये बेनिफिट मिलता था, आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता था, यहाँ पे आपके इनकम जो थे आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होते थे। बजट 2021 में वह 1 करोड़ का लिमिट को 5 करोड़ कर दिया गया है, जो इफेक्ट में होगा 1 अप्रैल 2021, इसमें रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 2022 से 23। तो अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगले साल के लिए आपका जो एनुअल रिसिप्ट जो है, अगर 5 करोड़ तक अगर आपका आता है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, एक बात ध्यान देने वाली कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज या वोकेशनल कोर्सेज चला रहे हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा, तो उसमें भी अगर टोटल जो रिसिप्ट आपका 5 करोड़ तक, देखिए 1 करोड़ से 5 करोड़, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है स्कूल्स, कॉलेज के लिए कि आप अब थोड़ा सा लार्ज पैमाने पर भी आप आ सक आइए, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक आप ले जाइए, कोई बात नहीं है, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये प्रपोजल है 1 करोड़ से 5 करोड़ जो आपके 1 अप्रैल 2021 से जो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा उस पर अप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो स्कूल, कॉलेज की बात रही। अब आइए हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल की बात। कहते हैं एक सेक्शन है 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 3AE, जस्ट उसके बाद इसमें कहते हैं कोई भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन जो रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इलनेस और मेंटल डिफेक्टिवनेस और रिसेप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन ड्यूरिंग कन्वालेसेंसेस और द पर्सन रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन और रिहैबिलिटेशन, मतलब कहने का मतलब मेडिकल पर्पसेस के लिए बनाए जा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग स्लोली फॉर द फिलेंट्रोपिक पर्पसेस, दैट इज चैरिटेबल पर्पस है, नॉट for the purposes of the profit, agar if aggregate annual receipt of such receipt hospital does not exceed as prescribed earlier, ye 1 crore tak tha, agar 35 ye jo financial year aapka 2021 jo hai 1 april 2020 se leke 31 march 2021 tak tak ka jab receipt hai 1 crore tha ga, lekin just ab next years ke liye isko propose kiya gaya budget mein 5 करोड़ की लिमिट किया है। कोई भी हॉस्पिटल आप ओपन कर रहे हैं, अगर एग्जिस्टिंग स्लोली फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस, मेडिकल पर्पसेस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द प्रॉफिट, देन इन दैट केस इफ योर एग्रीगेट एनुअल रिसीप्ट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, देन यू गेट टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन
10 क्लॉज 23 सी सब क्लॉज 3AE के अंदर देखेंगे। एक और अमेंडमेंट है इसमें, अभी आपने देखा स्कूल कॉलेजेस एंड यहां पर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने ये जो बेनिफिट दिया, पहले क्या था कि आप स्कूल कॉलेजेस जो आप खोल रहे हैं इसमें 1 करोड़ का बेनिफिट एग्रीगेट में मिलता था आपको, एंड सेकेंड हॉस्पिटल में 1 करोड़ का एग्रीगेट मिलता था, लेकिन दोनों सेपरेट था। अगर अगर एक ही कोई इंस्टीट्यूशन है, एक ही कोई सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो स्कूल कॉलेज भी ओपन कर रखा है और उसने हॉस्पिटल भी ओपन कर रखा है, तो दोनों के लिए सेपरेट 1 करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिलती थी। लेकिन अब जो बजट में जो प्रपोजल था कि एग्रीगेट एनुअल रिसीप्ट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अंडर सब क्लॉज AD 3AD ऑफ क्लॉज 23AC ऑफ सेक्शन 10 एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है आपका सब क्लॉज AE ऑफ द क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ये एग्रीगेट एनुअल रिसीप्ट आपका अप टू 5 करोड़ होगा। मतलब दोनों को मिलाकर आपको 5 करोड़ का बेनिफिट दिया जाएगा अगर आप दोनों ओपन कर रखा है आपने तो। ये तो रही बात अगर कोई भी स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग है वो टैक्स बेनिफिट इसके अंदर ले सकते हैं, जो अपना एक्सपेंड करेंगे, जो जिसका 1 करोड़ तक जिसका लिमिट था और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज के लिए, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि कोई भी विदाउट अप्रूवल आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए आप जा सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए 5 करोड़ से ऊपर है तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो था, जो आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका 4 and 4A के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर एक्सीड करता है 5 करोड़ से इन एग्रीगेट बोथ, और तो आपको इस केस में प्रिस्क्राइब्ड ऑथोरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है कि छोटे मतलब छोटे छोटे स्कूल अपने को थोड़ा सा मेडियोकल साइज का बनाए, 5 करोड़ तक रिसिप्ट लेके आसे का एक्सपेंशन कर सकते हैं, और नए स्कूल जो प्लान कर रहे हैं या हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरह से एक बड़ा ही अच्छा प्रमोशन दिया गया है स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स इफ यू वांट्स एनी अदर वीडियो ऑन द टैक्स मैटर, GST और बिजनेस सेटिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी टाइप ऑफ द एंटिटी। तो देन यू मे राइट ड्रॉप मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।